पहले तो उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो इतनी देर क्लास करने के बाद भी वापस जुड़े हैं। तो मैं शुरू करती हूँ बोल नंबर 106 भाषक से। भाषक यानी वचन योग। भाषक को अगर आप वचन योग से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाषक का जो बोल है वो पहले हमने जहाँ मन योग वचन योग का किया है ना, सेम वही है। तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा पेंसिल से लिख लेंगे कि वचन योग के समान, तो आपको पता चल जाएगा कि भाषक का भी वचन योग के समान ही है। मन एक समय में अगर कहा जाए तो उस अपेक्षा से भाषक का एक समय लिया गया है वचन योग की अपेक्षा से। और अधिक से अधिक अंतर्मुख, अब देखिए ऐसे लगता है कि मैं 1 घंटे 40 मिनट से बोल रही हूँ, तो मैं 40 मिनट से भाषक हूँ, लेकिन मैंने उसी दिन बताया था कि अंतर्मुख से ज्यादा हम भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उनको काम में लेते हैं, तो अंतर्मुख से ज्यादा हम लगातार वचन योग में नहीं रहते हैं। बीच में काय योग या मनोयोग, बीच में मन में चिंतन भी करना पड़ता है, लेकिन समय की सूक्ष्मता के कारण हमें उसका पता नहीं चलता है। लेकिन अंतर्मुख से ज्यादा मन योग हो या वचन योग हो या काय योग में तो रह सकते हैं, लेकिन मन योग और वचन योग में अंतर्मुख से अधिक नहीं रह सकते हैं। और अंतर जो पड़ा है वह भी अंतर्मुख उसी अपेक्षा से पड़ा है कि अंतर्मुख के अंतर के बाद पुनः भाषा योग में आना ही होगा कम से कम। और अधिक से अधिक अगर निगोद में चले गए तो वहां भाषा है नहीं, तो सिर्फ काय योग है, न मन योग है न वचन योग है, तो अनंत काल का अंतर पुनः भाषक होने में पड़ सकता है। दूसरा है संसारी अभाषक, यानी जो संसारी हैं और अभाषक है, तो इसमें जगन्य अंतर्मोड़ तक जीव अभाषक रह सकता है। कैसे कि अगर अभाषक, अभाषक यानी अगर कोई जीव एक इंद्रिय में पैदा हुआ अभाषक है, फिर अगर वो द्विंद्रिय या त्रिंद्रिय में पैदा हो गया तो वहां पर भाषा ली गई है, अंतर्मुहूर्त में जीव पुनः काल करके चला जाए, तो इस अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त जगन्य अभाषक का लिया गया है। और उत्कृष्ट अनंत काल वही निगोद की अपेक्षा से लिया है कि निगोद में अगर जीव चला गया तो अनंत काल तक वह अभाषक ही रहेगा। और जो जगन्य अंतर एक समय का लिया है वो फिर हम वचन योग की अपेक्षा से ही है कि अगर एक समय के लिए वचन योग में गए अभाषक का और काल कर गए तो अंतराल गति में भाषा रहेगी नहीं, तो उस अपेक्षा से एक समय का अंतर अभाषक में हो सकता है। एक समय के लिए वचन योग में आए और आते ही अगर काल कर गए तो अंतराल गति में भाषा नहीं है, इस अपेक्षा से एक समय का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मोर्त का अंतर लिया गया है। उसके बाद फिर सिद्ध का बोल आ गया, सिद्ध का बोल हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आया है संसार परीत और संसार अपरीत, काय परीत और काय अपरीत, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और चूंकि मुझे लगा कि हो सकता है, लगा था इतना नहीं होगा यहाँ तक, फिर भी मेरे को लगा कि अगर हो जाए पुखराज भाई की तरह 2 क्लास हो जाए, तो मैंने आगे तक का पूरा तैयारी करके रखी थी। तो ये तो तकनीक का है, कभी 20 मिनट में खत्म हो जाता है और कभी 80 मिनट भी चल जाता है। तो अब हम समझते हैं संसार परीत, यानी जिसने संसार भ्रमण की सीमा कर ली हो वो है संसार परीत। तो संसार परीत जो होगा, जिसने संसार में भव भ्रमण की सीमा कर ली, वो तो निश्चित ही शुक्ल पक्षी होगा और भवी ही होगा, क्योंकि अभवी होगा तो संसार की सीमा उसके तो कभी होगी नहीं, वो तो संसार में ही रहेगा। तो जो संसार परीत है वो निश्चित ही भवी भी होंगे और शुक्ल पक्षी भी होंगे। और जो संसार अपरीत है, जिसने अभी तक संसार भ्रमण की सीमा नहीं की है, जो अभी तक शुक्ल पक्ष में नहीं आए हैं, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा में नहीं आए हैं, लेकिन कभी न कभी आ सकते हैं, उस अपेक्षा से है संसार अपरीत। तो इन दोनों बोलों को हम एक साथ कर लेते हैं, संसार परीत जगन्य अंतर्मुहूर्त उसका काय स्थिति। जो संसार परीत यानी जिसने संसार की सीमा कर ली है, वो अंतर्मुहूर्त तक संसार में रहकर भी काल कर सकता है। और उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, मैंने जैसे बताया नहीं
कि जो एक बार जिसने संसार भव भ्रमण की सीमा कर ली उसके लिए निश्चित उसको देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन तक संसार में रहना ही होगा। इसीलिए अगर उसको ज्ञान आ भी जाए तो फिर अज्ञान में जाना पड़ता है क्योंकि ज्ञान की सीमा है। सम्यक दृष्टि में आ जाए तो पुनः मिथ्या दृष्टि में जाना होता है क्योंकि देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन की सीमा समय बहुत लंबा समय है और इतने समय तक ज्ञान रहता नहीं है। और अंतर पड़ेगा नहीं क्योंकि जब हमने पहले ही कह दिया कि उसने संसार की सीमा कर ली है, सीमा कर ली देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन में, उसको भव भ्रमण से मोक्ष जाने मोक्ष जाएगा ही, संसार परित हो गया है, संसार की सीमा हो गई है, तो अंतर होगा नहीं। हमने उत्कृष्ट ले लिया कि देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन तक वो रह सकता है तो इसमें फिर अंतर नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं संसार अपरित, यानी उसने संसार की अभी सीमा नहीं की है, तो उसमें दोनों आ सकते हैं, अभवी भी हो सकते हैं उनकी अपेक्षा से अनादि अनंत हो जाएगा, और भवी भी हो सकते हैं यानी भवी है पर अभी तक संसार की सीमा नहीं की है, अभी तक वो अर्ध पुद्गल प्रावर्तन की सीमा में नहीं आए हैं, तो उनकी अपेक्षा से अनादि शांत भी लिया गया है। और उसके बाद जो है काय परित और काय अपरित, काय परित और काय अपरित, यहाँ पर एक जगह शायद 21 द्वार में आया हुआ होगा, वहां पर शायद खुलासा भी किया है कि संसार परित तो निश्चित ही शुक्ल पक्षी है और भवी है, लेकिन काय परित और काय अपरित यहाँ इसको ऐसे समझना है कि काय परित का मतलब है प्रत्येक शरीरी जीव, एक शरीर में एक जीव, और जो काय अपरित है वहां हमको समझना है साधारण वनस्पति के जीव, यानी एक शरीर में अनंत जीव। तो जो काय परित है यानी जो एक शरीर में एक जीव, उनकी अपेक्षा से जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि असंख्यात काल से अधिक कोई भी एक भव में नहीं रह सकता है, बार बार भव करे तो अनंत काल तक निगोद में रह सकता है या किसी में रह सकता है, लेकिन काय जो परित है प्रत्येक शरीरी जो जीव है उनकी असंख्यात काल से अधिक एक उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी। और जो अंतर है वो अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त में वो निगोद में जाके अगर प्रत्येक शरीर में आ जाए तो अंतर्मूर्त का अंतर उसमें पड़ सकता है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल, अगर वो निगोद में चला गया और अनंत काल वहां रह गया तो फिर अनंत काल का अंतर काय परित में आने में उनको लग जाएगा। में आया होगा काय परित यानी एक शरीर में एक जीव, प्रत्येक शरीरी जीव, और काय अपरित यानी निगोद के जीव, तो उसको उस हिसाब से समझेंगे। तो पहले हमने जो एक बोल किया था निगोद का, समुच्चय निगोद का, उसकी अपेक्षा से समझ गए। काय परित की जो स्थिति है वो काय अपरित का अंतर है, और काय परित का जो अंतर है वो काय अपरित की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि काय अपरित में जगह अंतमूर्त उत्कृष्ट अनंत काल तक निगोद में जीव रह सकता है, और अंतर जो है अंतर्मूर्त और असंख्यात काल वो काय परित की जो स्थिति है वो इसका अंतर हो जाएगा, क्योंकि उतनी देर ही वो परित में रह सकता है काय परित में, उसके बाद उसको निगोद में जाना ही होता है। उसके बाद आता है पर्याप्त और अपर्याप्त। ये पर्याप्त और अपर्याप्त हम सब जानते हैं कि जन्म के आरंभ में जो आवश्यक पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करते हैं वो पर्याप्ति होती है, और जिस जन्म में हमें जितनी पर्याप्ति बांधनी हो जिस जीव को उतनी बांध ले तब तो वो पर्याप्त, और जब तक उतनी पर्याप्ति न बांधे तब तक वो अपर्याप्त। जैसे चतुरिंद्रिय है वो चार पर्याप्ति बांधते ही पर्याप्त हो जाएगा, और संगी मनुष्य है तो वो छह पर्याप्ति बांधने के बाद में पर्याप्त होगा, तो वो अपने अपने जिस भाव में जितनी पर्याप्ति बांधनी हो। लेकिन ये पर्याप्त और अपर्याप्त नामकर्म की प्रकृति है, नामकर्म की प्रकृति के कारण ही उसके नामकर्म के जो हमारे दूसरे वर्ष के कोर्स में जो नामकर्म की प्रकृति के अभी जो चांदबाई क्लास करा रही है उसमें जो बहुत सारे भेद आए हुए हैं नामकर्म के, उसी में आया हुआ है त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त। तो ये नामकर्म की प्रकृति के कारण ही जीव पर्याप्त होकर मरता है, और जिसके अपर्याप्त का बंध किया हुआ है वो अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और असंगी मनुष्य तो निश्चित ही अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो पर्याप्त की जो काय स्थिति है वो जगन्य अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त के बिना तो
अंतर्मुह तो पर्याप्त में रहना ही पड़ेगा, एक समय तो आहार पर्याप्ति में। उस दिन एक जन शायद पूछ रही थी कि एक समय अंतर्मुह आहार पर्याप्ति में, उसके बाद शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, जो भी है सबको अंतर्मुहूर्त लगता है और सबको मिला के भी अंतर्मुहूर्त लगता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के तो बहुत सारे भेद है। दो समय का भी अंतर्मुहूर्त है और 48 मिनट में एक समय कम का भी अंतर्मुहूर्त है। तो अगर इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त है तो उसमें थोड़ा सा शरीर पर्याप्ति में लगा, फिर थोड़ा इंद्रिय स्वच्छ, हाँ डिस्टर्ब आ रहा है, तो ऐसे कर करके आहार पर्याप्ति को एक समय, बाकी के पर्याप्ति, बाकी के पर्याप्ति को प्रत्येक को अंतर्मुहूर्त लगता है। हेलो, हाँ ठीक है सरला जी, बोलिए 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 सरला जी। हाँ वो अब नहीं आएगा डिस्ट। प्रत्येक को अंतर्मुहूर्त लगता है और सबको मिला के भी अंतर्मुहूर्त में ही सारी पर्याप्तियों का बंद हो जाता है। तो यहाँ हम कर रहे थे बात पर्याप्त में अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो अधिकतम प्रत्येक 100 सागर से कुछ अधिक, ये भी हमने पहले जब बोल लिया था ये कि उसमें लिया था कि प्रत्येक 100 सागर से कुछ अधिक रह सकते हैं, अगर बीच में अपर्याप्त का भाव आ जाए तो 1000 सागर हो सकता है, नहीं तो प्रत्येक 100 सागर यानी 200 सागर से 900 सागर तक जीव हर बार पर्याप्त होके ही मरेगा, अपर्याप्त में बीच में नहीं मरेगा। और अगर बीच में कोई अपर्याप्त में मरे तो 1000 सागर हो सकती है, ये बात हमने पीछे के बोल में एक जगह की थी, यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं है। यहाँ हमें यही समझना है कि प्रत्येक 100 सागर तक जीव पर्याप्त अवस्था में ही जन्म मरण कर सकता है, और जो अंतर लिया गया है वो जगन्य भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के अंदर ही पुनः वह अपर्याप्त से पर्याप्त में आ सकता है। उसके बाद जो है अपर्याप्त का, तो अपर्याप्त का बोल भी पर्याप्त से फिर वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, जो पर्याप्त की जो स्थिति थी वह अपर्याप्त का अंतर हो जाएगा, और जो पर्याप्त का अंतर था वह अपर्याप्त की स्थिति हो जाएगी। तो इसको आप अपने आप अंतर पड़ा है वो पर्याप्त अवस्था में रहेगा तो उतना अंतर पर्याप्त में ही रहेगा। उसके बाद आता है अपर्याप्त नो अपर्याप्त यानी सिद्ध अपेक्षा से, तो इसको भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद का जो बोल है वो बहुत ही सरल है, सूक्ष्म और बाद्य, जैसे हमने पहले भी किया था सूक्ष्म में कौन से जीव आएंगे, आपका है जो एक बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तो सारे बादल ही होते हैं, तो सूक्ष्म में जो एकेंद्रिय में सूक्ष्म भी होते हैं और बादल भी होते हैं, बादल में तो सारे जीव आ जाएंगे, सूक्ष्म में खाली एकेंद्रिय के जीव आएंगे। तो ये हमने जब सूक्ष्म और बादल का किया था तब मैंने 12 बोल अलग से करके बताए थे, तब मैंने बताया था कि अकेले सूक्ष्म में रहेगा तब भी जगन्य अंतर्मुहूर्त असंख्यात काल रहेगा और अंतर भी अंतर्मुहूर्त असंख्यात काल पड़ेगा, और अगर सिर्फ बादल में रहेगा तो भी अंतर्मुहूर्त जगन्य उत्कृष्ट असंख्यात काल, जगन्य अंतर्मुहूर्त का अंतर और उत्कृष्ट असंख्यात काल। ये मैंने जब पहले एक चैप्टर किया था उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया था, क्योंकि एक समय में तो होगा नहीं, पर्याप्ति का बंद करेगा और करेगा तो अंतर्मुहूर्त तो लगना ही लगना है। उसके बाद फिर सिद्धों का आ जाता है 9 सूक्ष्म 9 बादल, क्योंकि जो केवल ज्ञानी होते हैं वो तो बादल होते हैं, लेकिन जो सिद्ध होते हैं वो न सूक्ष्म न बादल, तो ये साधी अनंत में आ गया। अब आता है संगी और असंगी, तो यहां मैं आपको फिर बता दूं कि जो संगी का बोल है वो एकदम पुरुष वेदी के समान है, जो पुरुष वेदी का पहले हमने किया है स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद का जो बोल हमने किया है, तो आप देखिएगा पुरुष वेदी का जो बोल है एकदम उसके समान ही जगन्य अंतर्मुहूर्त संगी यानी जिनके मन है उत्कृष्ट पते 100 सागर से कुछ अधिक, क्योंकि जहां भी हम उत्कृष्ट लेंगे तो संगी में पंचेंद्रिय का ही लेंगे, पंचेंद्रिय का सबसे ये अधिक ज्यादा है प्रत्येक 100 सागर से कुछ अधिक संगी का, और क्योंकि विकलेंद्रिय जो होते हैं वो तो संगी है नहीं, संगीत में तो खाली पंचेंद्रिय जीव ही आएंगे, और जगन्य अंतर्मुहूर्त यानी अंतर्मुहूर्त के लिए वो असंगी में पैदा होके पुनः संगी में मतलब त्रिंद्रिय में चले गए, चतुरिंद्रिय में चले गए, किसी में भी चले गए, पुनः पंचेंद्रिय में आ जाएंगे संगी पंचेंद्रिय में, तो पुनः वह अंतर्मुहूर्त में आ सकते हैं।
और उत्कृष्ट अंतर फिर वही निगोद की अपेक्षा से, अगर वो निगोद में चले गए तो अनंत काल तक संगी नहीं होंगे, असंगी ही रहेंगे। आगे के बहुत इजी जी है। और नौ संगी नौ असंगी का उसका उल्टा हो गया कि अंतर्मूर्त असंगी का है और अनंत काल निगोद की अपेक्षा से, और अंतर्मूर्त का अंतर प्रत्येक सौ सागर से कुछ अधिक का उत्कृष्ट अंतर, अगर वो इतने समय तक संगी रहते हैं तो असंगी में इतना अंतर हो जाएगा। नौ संगी नौ असंगी फिर वही सिद्धों की अपेक्षा से साधी अनंत। अब आते हैं भवी और अभवी। भवी जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है और अभवी जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। तो भवी की जहां भी हमने जितने भी बोल लिए उनमें भवी की अपेक्षा हमने क्या कहा था, अभवी की अपेक्षा से अनादि अनंत और भवी की अपेक्षा से अनादि शांत। तो वह बात अभी इतनी देर बाद यहाँ लास्ट में आई है। और जो भवी है वो हमेशा भवी रहेंगे इसलिए अंतर पड़ेगा नहीं, जो अभवी है वो हमेशा अभवी रहेंगे तो अंतर पड़ेगा नहीं। अंतर तो तब पड़ता ना जब भवी एक बार अभवी होके फिर भवी होता, या अभवी एक बार भवी होके फिर अभवी होता। तो न तो भवी किसी प्रयत्न से पुरुषार्थ से भवी हो सकता है और न कोई भवी अभवी हो सकता है। तो इस अपेक्षा से दोनों में अंतर पड़ेगा नहीं। फिर नौ भवी नौ अभवी ये फिर सिद्धों की अपेक्षा से आ गया है। और अंतिम बोल में ले रही हूं चरम और अचरम। चरम यानी जो कभी न कभी इस संसार का अंत करेंगे, अचरम जो कभी उसका अंत नहीं करेंगे। तो चरम जो है वो तो अनादि शांत यानी अनादि काल से चरम थे और कभी न कभी उनका संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ यही समझना है अचरम, अचरम में हमको अभवी और सिद्ध दोनों को लेना है। चरम में तो भवी थे लेकिन अचरम में दोनों को लेना है। दोनों को लेंगे कैसे, क्योंकि जो अभवी है वो कभी अपने संसार का अंत करेंगे नहीं और जो सिद्ध है वो कभी सिद्ध गति का अंत करेंगे नहीं, वो हमेशा वहीं रहेंगे। और अभवी वो हमेशा संसार में रहेंगे, न तो अभवी कभी सिद्ध गति में जाएंगे और न कभी सिद्ध यहाँ संसार में आएंगे। तो इनको दोनों को अभवी अचरम में लिया गया है। तो इसमें हमको ये जो काय स्थिति ली गई है ये दोनों की अपेक्षा से है। अभी मैं 21 द्वार में चली गई थी उसका बताने में याद आ गया। तो ये जो अचरम का पाठ है ये अभवी और सिद्ध दोनों की अपेक्षा से है। तो अभवी की अपेक्षा तो हमेशा ही थे अभवी और हमेशा रहेंगे, तो अनादि अनंत, आदि नहीं अंत नहीं वे अभवी। आदि नहीं मतलब अनादि, अंत नहीं मतलब अनंत, यहाँ अनादि अनंत की जगह दूसरा शब्द ले दिया है, वो एक ही बात है। और भवी की अपेक्षा सिद्धों की अपेक्षा से आदि तो है, जन्म के आरंभ में कोई भी सिद्ध नहीं बना था पर अपने पुरुषार्थ से उन्होंने कर्मों को काट के जो एक बार सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए वो फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। तो उनकी आदि तो है पर अब कभी मोक्ष से उनका अंत नहीं होगा, सदा काल वो मोक्ष में ही विराजमान रहेंगे। तो इस अपेक्षा से अभवी की अपेक्षा अनादि अनंत और सिद्धों की अपेक्षा से अनादि शांत लिया गया है। तो मेरी समझ में ये तत्व दीप काय स्थिति का थोकड़ा आज संपन्न हो गया है। आज 3 तारीख है क्या सुचिन जी? हाँ 3 तारीख, 3 तारीख मैंने 13 तारीख को शुरू किया था और 3 तारीख को संपन्न हो गया। 3 और 13 दोनों ही शुभ दिन है। हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं बोलूंगी लास्ट वाला 13 को लूंगी, 13 तारीख को लूंगी। चलो ठीक है, अब एक दो काम करते हैं। मैं एक दो लोगों को अनम्यूट करता हूँ। मंजू जी बोरड और रश्मि जी लुंकड़। रश्मि जी का वैसे कोई हाथ खड़ा नहीं किया उन्होंने, रश्मि जी को काईप्रीत और मैं उन्होंने क्या समझा वो मैं उनसे कहूंगा कि वो बता दीजिए। हाँ हाँ मतलब रश्मि जी अच्छी तरह समझ गई है क्या, वो एक बार एक्सप्लेन करके बता दे संसार प्रीत अप्रीत और काईप्रीत अप्रीत आपने जैसा बताया था। रश्मि जी आपको मैंने अनम्यूट किया है और साथ साथ में मंजू जी को भी कर देता हूँ जिसमें दोनों में जो भी पहले आएंगे बोल देंगे, और पिंकी जी ताचेड़ को भी कर देता हूँ।
चलिए आज थोड़े प्रसन्न रहते हैं। पिंकी जी ठीक है, पिंकी जी मंजू जी जो भी है, पिंकी जी बोल रही है ठीक है। हाँ मेरा है कि अभी जो लास्ट बोले थे अचरम का, सिद्ध की अपेक्षा से, सिद्ध की अपेक्षा से साधि अनंत होगा ना, अनादि शांत, साधि अनंत इसमें लिख दिया आदि है, आदि है का मतलब हो गया साधि। मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, अनादि शांत हो रही है, मुझे समझ में थोड़ा समझ में आ रही है। आदि नहीं, ऊपर लिखा है आदि नहीं अंत नहीं, तो अनादि अनंत हो गया। हाँ। आदि भी नहीं है मतलब अनादि काल से है, अंत भी नहीं है मतलब अनंत काल से, वह हो गया अभवी। फिर लिखा है आदि है मतलब साधि, आदि सहित है, और फिर लिखा है अंत नहीं, अंत नहीं मतलब अनंत। तो यहाँ पर काट के आप वही लिख दिए, वही लिख दीजिए अनादि अनंत अनादि शांत, तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। और परीक्षा में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों राइट ही होगा। ठीक है, अनादि अनंत अनादि शांत लिखेंगे तब भी चलेगा। मंजू जी बोरड़। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ बिल्कुल, जय जिनेन्द्र भाई साहब आ रही है आवाज। मुझे छद्मस्थ अनाहरक में गुणस्थान ध्यान नहीं पड़ रहा, कौन सा गुणस्थान आएगा छद्मस्थ अनाहरक? छद्मस्थ अनाहरक में कौन सा गुणस्थान आएगा? छद्मस्थ अनाहरक होता ही नहीं, इसमें रहेगा गुणस्थान कौन सा है? छद्मस्थ अनारक तो खाली विग्रह गति में रहेगा ना। अरे मैं बोल रही हूँ छद्मस्थ अनारक तो खाली अंतराल गति में ही होगा ना, तो अंतराल गति में वो मिथ्यात्व भी हो सकता है। अंतराल गति में चार तीन गुणस्थान है, पहला भी है दूसरा भी है चौथा भी है, तो अलग अलग जीव की अपेक्षा से अलग अलग होगा। अंतराल गति में तीन गुणस्थान है, पहला दूसरा और चौथा, तो जिस वो जीव में जो है वो हो सकता है, कौन सा अलग अलग जीव की अपेक्षा से अलग अलग होगा। बारहवें गुणस्थान का कौन सा? एक समय दो समय लिया। बारहवें गुणस्थान में वो अनारक नहीं होता ना। बारहवें गुणस्थान तक तो छद्मस्थ ही है ना, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान तो तेरहवें गुणस्थान के आरंभ में होगा, बारहवें में मोह कर्म क्षीण हो गया है, तेरहवें में जो तेरहवें गुणस्थान में जब केवल ज्ञान होगा तब वो छद्मस्थ नहीं रहेंगे। केवल ज्ञान होने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव छद्मस्थ ही रहेगा। सुनाई दिया? छद्मस्थ अनाहरक में पहला दूसरा और चौथा गुणस्थान कौन कौन सा? हाँ वही वही, पहला दूसरा चौथा। हाँ ठीक है बताइए। हाँ हाँ हाँ, छद्मस्थ अनाहरक तो अंतराल गति की अपेक्षा के लिए ना, उसका बाकी समय तो हम अनारक रहते कहाँ है, हम लोग उपवास करते हैं तभी अनारक नहीं है, हम उस समय रोम रोम आर ले रहे हैं। अनारक तो खाली केवली समुद्घात और विग्रह गति की अपेक्षा से ही होता है। ठीक है, हाँ अब कोई प्रश्न पूछना चाहे। हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए। सहयोगी केवली अनाहरक, सहयोगी केवली अनाहरक वो तेरहवां गुणस्थान, वो तेरहवां गुणस्थान, और तेरहवें गुणस्थान में केवली समुद्घात करेंगे उस समय तीन समय अनारक रहेंगे, वो मैंने समझाया था अभी। आप केवली समुद्घात का पढ़ लीजिए, अवबोध में पता चल जाएगा। हाँ और कोई पूछना चाहे? रश्मि जी कुछ बोलना चाहेगी क्या? मैंने उनको कहा तो अनम्यूट के लिए। पुष्पा जी रामपुरी आई है क्या? पुष्पा जी तो आए हैं, अब कौन आए, बेंगानी आए हैं या रामपुरिया जी आए हैं पता नहीं है मेरे को। आज मैंने बोला था उनको। अच्छा, बहुत दिनों से बोल रही है। नहीं वो अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये फोन नंबर के साथ अपना अगर नाम लिख लेना, और ये एकदम इजी है, मोर में जाएंगे और वो रीनेम कर देंगे, मोर में जाकर रीनेम करेंगे तो आपका नाम पता रहेगा। पुष्पा जी में भी पुष्पा जी रामपुरिया, पुष्पा जी बेंगानी, पुष्पा जी नाट्टा, पुष्पा जी कही है, तो वो अपना पूरा नाम लिख दे तो पता लग जाएगा। ठीक है चलो, कक्षा संपन्न करते हैं। ओम अरहम। हाँ, सरला जी के प्रति बहुत बहुत आभार। इन्होंने साइंस सिटी में मेरे
काय स्थिति में मेरे बोलने में कुछ भी अगर त्रुटि हुई है तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, अब जब सरला जी लेंगे तो गतागत का ले लेंगे आगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल शांति जी भाटिया की क्लास है और वैसे आगे होते रहेंगे। करम बोला ना, स्टाफ रूट दल भी बोला।